मशहूर होने के लिए अहमकाना और मुजायका खेज किस्म की हरकत करते हैं। ऐसे लोग अक्सर अहमकाना रिकॉर्ड्स कायम करते करते जान की बाजी तक हार जाते हैं। आज की वीडियो में हम 7 ऐसे ही रिकॉर्ड्स का जिक्र करेंगे जिनको कायम करते करते लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं। नंबर 7, सिलेंड्रा नॉर्थरॉय। दोस्तों, सिलेंड्रा नॉर्थरॉय का ताल्लुक इंडिया से था। ये एक मशहूर स्टंटमैन और डेयर डेविल था। इसे खतरों से खेलने का जुनून की हद तक शौक था। ये जिस्मानी तौर पर भी बहुत मजबूत इंसान था। इसके सर के बाल भी लंबे और मजबूत थे। एक दिन इसे भी अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाने का इरादा किया। इसने अपने मजबूत बालों की मदद से जिप के जरिए लंबा तरीन फासला तय करने का फैसला कर लिया। ईस्टर रिवर अभी आधा ही अबूर हुआ था कि इसे सख्त किस्म का हार्ट अटैक हुआ। इस खतरनाक किस्म के कार्डिक अरेस्ट की वजह से सिलेंड्रा नॉर्थरॉय की उसी वक्त मौत वाकया हो गई और इसे मुर्दा हालत में उन वायर्स के ऊपर से उतारा गया। ये मंजर देखने वालों की बेसाख्ता चीखें निकल गईं। नंबर 6, हारिस सुलेमान। व्यूअर्स, हारिस सुलेमान का ताल्लुक पाकिस्तान से था, मगर ये एक अमेरिकन नेशनल था। इसने कम उम्र में सिर्फ 30 दिन के अंदर पूरी दुनिया का जहाज पर चक्कर लगाने का फैसला किया। ये दरअसल तालीम को प्रमोट करना चाहता था। ये नहायत मुख्तसर वक्त में दुनिया का चक्कर लगाना चाहता था। हारिस और इसका बाप 19 जून 2014 को अमरीकन रियासत इंडियाना से रवाना हुए। इन्हें 42,000 किलोमीटर का फासला तय करना था। ये अपना ज्यादातर सफर तय कर ही चुके थे, मगर बदकिस्मती से पागो पागो से निकलते ही इनका प्लेन क्रैश हो गया, जिससे इन दोनों की मौत वाकया हो गई। नंबर 5, जेसिका डोबरोव। दोस्तों, जेसिका डोबरोव का ताल्लुक अमेरिका से था। ये एक 7 साल की ट्रेनी पायलट थी। इसने नहायत कम सन उम्र में जहाज उड़ाने का फैसला किया। अभी इसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी जब इसने बाकायदा जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग लेना शुरू की। ये कम उम्र तरीन पायलट बनना चाहती थी। साल 1996 में ये अपने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के साथ जहाज में सवार थी। इसके साथ इसका बाप भी फ्लाइट में मौजूद था। बदकिस्मती से इस दिन मौसम भी बहुत खराब था। वेदर कंडीशंस जहाज उड़ाने के लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, मगर जेसिका उस दिन जहाज उड़ाने के लिए बाजिद थी। जब इन्होंने जहाज को टेक ऑफ करवाना चाहा, तो जहाज दौरान टेक ऑफ फिसल गया और क्रैश कर गया, जिसकी वजह से जहाज में मौजूद तीनों लोग और अमला मौके पर जहां बाक हो गया। नंबर 4, जोआन फ्रांसिस्को ग्लोरिमो। व्यूअर्स, कहा जाता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी जगह है। यहाँ समंदर भी हैं और रेगिस्तान भी, पहाड़ भी हैं और दरिया भी। सियाहत और घूमने फिरने के शौकीन अफराद सारी जिंदगी पूरी दुनिया का चाहकर भी चक्कर नहीं लगा पाते, मगर कुछ ऐसे सरफिरे भी होते हैं जो एडवेंचर और थ्रिलर के नाम पर कुछ अलग करने का फैसला करते हैं। जोआन फ्रांसिस्को ग्लोरिमो, जो कि एक साइकिलिस्ट थे, एक दिन इन्होंने 5 बड़े आजमों को साइकिल की मदद से सर करने का फैसला किया। इन्होंने ये फासला 5 सालों में तय करना था और इस मकसद के लिए इन्होंने 2,50,000 किलोमीटर का फासला तय करना था। अपने इस 5 साल सफर का ज्यादातर हिस्सा ये सर कर चुके थे और आखिरी मराहल में थे। ये एक दिन नाखोन राचा सीमा प्रोवेंस में वाकया एक हाईवे पर साइकिल चला रहे थे कि एक तेज आते ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दी और ये उसी वक्त मौके पर जहां भाग हो गए। नंबर 3, डियाना पेरेस। दोस्तों, 46 साल जर्मन स्काई डाइवर डियाना पेरेस भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के चक्रों में लुकमय अजल बनी। डियाना ने 222 लोगों के साथ कलेक्टिवली जंप लगाने का फैसला किया। 222 लोगों पर मुश्तमिल ये दुनिया का सबसे बड़ा मजमुआ था। इन्होंने जहाज से कूदते हुए एक साथ अपने पैराशूट्स खोलने थे। तमाम बदकिस्मती से डियाना पेरेस का पैराशूट ना खुल सका और ये ड्रोन डाइविंग वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते करते लुकमय अजल बन गई। नंबर 2, जवाद पैलिसबानियन। व्यूअर्स, 44 साल ईरानी डेयर डेविल भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में लुकमय अजल बना। जवाद दरअसल एक खतरनाक मोटरसाइकिलिस्ट था। इसने साल 2005 में मोटरसाइकिल पर लॉन्ग डिस्टेंस जंप लगाकर दुनिया को हैरान करने का फैसला किया। इसने दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने के लिए 22 बसेस को साइड बाय साइड जोड़ दिया। 22 बसेस को एक साथ जोड़ने के बाद ये फासला 209 फीट तक फैल गया। बदकिस्मती से ये सिर्फ 13 बसेस को ही अबूर कर पाया और दरमियान में ही बुरे तरीके से गिरकर जख्मी हो गया, जिस वजह से इसकी मौके पर ही मौत वाकया हो गई।
नंबर वन जनाका बिस्नाइक, दोस्तों आज का आखिरी और मुजायका खेज तरीन रिकॉर्ड 24 साल श्रीलंकन जनाका बिस्नाइक का है। इसने अचानक एक दिन बैठे बैठे जिंदा दरगो यानी जिंदा दफन होने का रिकॉर्ड कायम करने का फैसला किया। इसे 10 फुट के एक गड्ढे में रखा गया। इसकी बॉडी के ऊपर मट्टी डाल दी गई। इसने अपने आप को दम घुटने से बचाने के लिए एक लकड़ी के चैम्बर में पना ले ली। इस वक्त सुबह 9:30 का वक्त था जब खुदाई करके इसे बाहर निकाला गया। उस वक्त ये मुकम्मल बेहोश हो चुका था। बेहोशी के कुछ वक्त बाद इसे डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया। जो एक और सर फिरा मौत की वादी में चला गया। दोस्तों आज की वीडियो बस